भाई लोगों ये खड़ी हमारी कार है यहाँ पे, और सामान आपको दिखा दें हम। ये रहा हमारा सामान, इसमें हाथ में है यहाँ पे, बाकी बैग पीछे टंगा हुआ है। रखते हैं इसको डिक्की में। भाई वो बहुत है, इसका बोट इस पर बहुत ज़्यादा है। ये यहाँ पे आ गया, ये बाकी चीज़ें यहाँ पे, और उसके बाद में बैग वगैरह भी रखते हैं। ये आ गया हमारा बैग, और अब इसके बाद में बाकी ये रखेंगे आगे। ये हो गई बॉटल्स हमारी, डेटा केबल, और बस हो गया फाइनल। तो दोस्तों, तो भाई गुड मॉर्निंग आप सभी लोगों को। और भाई आज हमारा ब्लॉग थोड़ा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग जा रहे हैं ट्रिप पे। और भाई आपको बता दें, पहली बार घर वालों ने हमारे लिए दे दी है कार, कार से घूमने के लिए ट्रिप की, ट्रिप पे कार से घूम के आओ। तो भाई हम और रवेश भैया और सौरभ भैया जा रहे हैं, और अभी अतुल भैया और राहुल भैया रास्ते में मिलेंगे हम लोगों को। तो भाई अभी हम लोग जा रहे हैं अतुल भैया को पिक करने। हम लोग सोचा पहले घर से ही ब्लॉग स्टार्ट करते हैं, लेकिन सोचा फिर ब्लॉग ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो इस चक्कर में अभी सौरभ भैया घर से ब्लॉग स्टार्ट किया है। चश्मा यार भूल गए हमें यार। चश्मा भूल गए? अरे पड़े ही चश्मे वाली दुकान। ना ना मेरा चश्मा नहीं देना गलती से भी। भाई लगा सकते हैं अभी थोड़ी? हाँ अभी लगा लो, थोड़ी देर में हमें देना। देखिए भैया कैसा लग रहा है? बढ़िया एकदम। तो भाई अभी हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से, और अभी अतुल भैया मिलेंगे हम लोगों को। तो अभी अतुल भैया यहाँ चलते हैं सीधा, और उसके बाद में क्या नाम निकलते हैं सीधा अपनी ट्रिप के लिए। डालो महंगाई है तुम्हारे लिए। जे अपनी कार, इससे आज हम लोग जा रहे हैं ट्रिप पे घूमने के लिए। देख लो फ्रेंड से, हम हैं उर्वेश भैया हैं, सौरभ भैया और अतुल भैया, और अभी एक लोग राहुल भैया हैं हमारे, उनको अभी लेने जा रहे हैं। वही ऐसा कुछ अभी आज का आउटलुक है हम लोगों का। भैया लोअर पहनो भैया, हमारे चप जूते वूते हैं ही नहीं यार, क्या करें भैया। तुम यार दे दियो, एक दे दियो जूता भैया, एक आप पहले ले। चलो खाई चलाओ यार, क्या हो रहा है। अभी इंडियन ऑयल के पेट्रोल पम्प पे आ चुके हैं हम लोग, और फ्यूल टैंक खोला ही नहीं। अच्छा अभी रुको, बस खोल रहे, फ्यूल टैंक खुल गया। चलो भैया ओटीपी वाला सिस्टम है, कुछ सुना है? 4 बजे का बार नहीं है भाई। तो अच्छा ऐसा जीरो करके डालो, और 4 जीरो करके इसमें भैया डाल दो टैंक फुल। हां पेट्रोल और डीजल से फुल कर दो टैंक हमारा। हमें जाना है, हमारा कैंसिल हो जाएगा। वही तो पैसे सीधे कर देना। हां पैसे सीधे कर दो, टेंडर का ले रहे हो फोन पे करो तो क्यों टेंडर कर रहे हो? और क्या, तो फिर क्यों परेशान हो? अभी हमारी कार का फ्यूल टैंक देखो ना, फुल हो चुका है बिल्कुल ही। 29,000 रुपए में देखो ये, 29,000 रुपए में। तुम लोग यार कतई कमाल करते हैं 29,000 रुपए में। तो भाई पीछे सौरभ भैया बैठे हुए हैं, उर्वेश भैया इधर, आगे हमारे अतुल भाई, और हम चला रहे हैं अभी कड्डी को। गाना तो भैया रोक दो थोड़ी देर के लिए, तुम तो यार कतई कमाल कर रहे हैं। देख लो पीछे बालक, जरा इन्हें चुप करा दियो, दुद्धी दे दो, दुद्धी मुंह में दुद्धी दे दो मुंह में, बस पीवर दूसरी वाली मत दियो। अरे दिया बात दुद्धी ना निकालनी हो, गेट ले गेट हो जाए। तो भाई लोग अभी टैंक अपना हो चुका है यहाँ पे फुल, और अब बस बिल्कुल नॉन स्टॉप चलना है। अभी राहुल भैया यहाँ चलेंगे 2 मिनट के लिए, देखते हैं कैसा क्या उनका प्रोग्राम, उनकी बारात भी आने वाली है। तो अभी क्या नाम, अब हम लोग चारों लोग निकल रहे हैं यहाँ से, और कितना टाइम लोग, 4 बज चुके हैं बीसलपुर में, 4:13 हो गए बीसलपुर में ही। और देखो लगभग कितने 2.5 घंटे का रास्ता है, 2.5 घंटे 2.5 घंटे में लोग पहुँच जाएंगे। तो भाई मिलते हैं फिर आप लोग चल के, बहुत ज्यादा लेकर भैया। लोअर कितने रुपए लगा रहे भैया? 240 पीलीभीत में आ चुके हैं, और आप देख सकते हैं सामने बांसुरी चौक है, यहाँ पे बांसुरी चौक से यहाँ पे आया
भाई इधर लगाते कार को। नहीं वो वहाँ पे लिखा हुआ है कि मतलब पार्क यहीं पे करें। देख रहे हैं यहाँ पे मुंह खुले आम उतरा है भाई। तो भाई लोग अभी हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से और हमारे भाई लोग उधर सामने बिल्कुल रेडी खड़े हैं। भाई साहब मतलब नेक्स्ट लेवल पे हमारी अभी कार खड़ी हुई है और सामने आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर बांसुरी चौक बना हुआ है। बहुत बढ़िया लगती है वहाँ पे। भाई लोग अभी क्या बताएं, अभी निकल रहे हैं बस यहाँ से, मतलब पीलीभीत से निकल रहे हैं और तब तक भूख लग गई वो देखो पीछे डिग्गी खोल के और कचौड़ी निकलनी शुरू हो गई। अब देखो ये गुलाबी की टी शर्ट वाला लगातार कचौड़ी ढूंढने लगा पड़ा है, बस कचौड़ी मिल जाए बताओ भाई। और अभी कर हम निकल पाए हैं समझ लो पीलीभीत से, ये चल रहा है इनका। भैया कचौड़ी मिली आपको? कचौड़ी लेट यार बताओ, मतलब निकल नहीं पा रहे पीलीभीत से और कचौड़ी ढूंढने लगे बच्चे। कितनी गलत बात है यार, थोड़ा अभी सौरभ भैया चला रहे हैं कार और हम आ चुके हैं पीछे की तरफ और अतुल भैया हमारे यहाँ पे सट्टा लगा रहे हैं बैठ के आगे। देखो राम राम भी कर ली सट्टा लगाते हुए, इतना बढ़िया काम कर रहे हैं ना, मतलब मोबाइल गिर जाएगा वरना दोनों हाथों तालियां बजा देते इनके लिए। और भाई बाकी अभी आप लोगों को दिखाए तो यहाँ पर बैठे हैं इस तरफ सीधे बच्चे पीछे, जैसे हमारे राहुल भैया जो आ ही नहीं रहे थे घूमने के नाम से, इनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, घूमने नहीं जाते बस, कहते घर पे रहो पापा मम्मी की बात मानो और क्या नाम घर पे रहो। अच्छे बच्चे एकदम, मतलब जो हमेशा हाथ बांध खड़े होते हैं तो पापा नहीं चुकाए थे। और आखिर में पापा ने जब बोला इनके कि जाओ तब भैया, और पास में हमारे उर्वेज भैया जो कि भाई मतलब हम हर बात पे ज्ञान वगैरह देना शुरू कर देते हैं बिना बात के, तो भाई ये हमारे उर्वेश भैया है। और इधर हमें तो आप जानते होंगे भाई क्योंकि हमारी वीडियो बनती इस महीने और पड़ती अगले नेक्स्ट महीने में है। यहाँ से टनकपुर लगभग 32 किलोमीटर बचा है अभी, तो भाई अभी माता रानी दर्शन करने जल्दी जल्दी चलते हैं। और अंकल जी देखो इलेक्ट्रिक स्कूटी जा रहे हैं पहाड़ी चढ़ाई करने। जय माता दी। जय माता दी क्या होता है, ये लग्जरी माता जी है, लग्जरी माता जी है, इज्जत के साथ माता जी का नाम। जय माता दी। भाई लोग अभी हम लोग जो पूर्णागिरी पहाड़ की जहाँ से शुरुआत होती है ना भाई, वहाँ पे हम लोग अभी पहुँच चुके हैं। और देखिए हर जगह पे भाई लोग इतनी भीड़ लगी हुई है ना, मतलब कि आपको पता है इस टाइम पे सबसे ज्यादा लोग आते हैं दर्शन करने। तो भाई अभी हम लोग जा रहे हैं और सामने का देखो आप लोग भाई, मतलब हर जगह ही लाइट्स वगैरह चल रही, वरना अब तक तो यहाँ सुनसान हो जाता था बिल्कुल। लगभग अभी टाइम हो रहा है 7:08 बज चुके हैं, 7:57 हो गए आप लोगों को। तो भाई लोग अभी हम लोग आ चुके हैं यहाँ पूर्णागिरी धाम में अंदर की तरफ। आप लोग देख सकते हैं भाई ऐसे बसें वगैरह लगी हुई है और इतना ज्यादा आज भीड़ है ना यहाँ पे, क्या बताएं भाई बहुत ज्यादा भीड़ है आज भाई। आ चुके हैं वैष्णो देवी। क्या हुआ कि अभी हो गई थोड़ी प्रॉब्लम, मतलब 8:30 बज चुके हैं लगभग अभी और 8 बजे तक गाड़ियाँ ऊपर जाती हैं, तो अभी यहाँ से बता रहे कि यहीं पर गाड़ी रुकनी पड़ेगी। यहाँ से लगभग 10 किलोमीटर दूर है अभी और भाई यहीं पे गाड़ी खड़ी करके जाना है अभी, तो यहाँ से 10 किलोमीटर पैदल जाना है। अब देखते हैं भाई अभी कितना टाइम लगता है पैदल जाने में, मतलब हालांकि बिल्कुल फिट हो जाएंगे पैदल जाने में, अब देखते हैं। अभी गाड़ी यहाँ पे पार्क हो चुकी है और अभी यहाँ से जाके हम लोग ऊपर उस तरफ जाना है थोड़ा वापस, और फिर उसका ऊपर यहाँ से निकल के सीधा ऊपर के लिए चढ़ के जाना है पहले। और पिछली बार क्या हुआ था, इकोम लगा दो कोई पत्थर, क्योंकि हमारी वाली का तो हमें भरोसा है, इसका भरोसा नहीं है ये। हाँ भाई ये जो है ना ये पत्थर लगा दे रहे इको के पीछे, चलो मिलते हैं, हमारी वाली का तो भरोसा है, इसका भरोसा नहीं है कब वापस आ जाए। तो भाई गाड़ी यहाँ पे लग चुकी है और निकालो भाई हमारा सामान सट्टा वगैरह सब खाली अभी, और यहीं से हम लोग जा रहे हैं ऊपर, गाड़ी लाइट्स वगैरह कर देते हैं। क्यों चाबी कहाँ है गाड़ी की? अच्छा लॉक, वो लाइट उन्हें बंद कर दो। तो भाई अभी इसकी लाइट्स वगैरह करते हैं और फिर चलते हैं सीधा ऊपर की तरफ। तो भाई लोग अभी शुरू हो रही है हमारी व्लॉगिंग राहुल भैया के साथ, और भाई मेरे यो चैनल तो तुम्हें बताए भाई का एक नंबर है, एक नंबर है, बस सिर्फ शॉर्ट वीडियो पड़ती है, अभी 5 पड़ पाई है सिर्फ, आता ही नहीं है भैया। चलो तो भाई लोग हम लोगों ने अभी यहाँ से चढ़ाई शुरू कर दी है और यहाँ से निकल रहे हैं अभी। क्या हुआ? तो भाई ऐसे लोग रास्ते में बहुत मिलते हैं जो कहते हैं कि भाई हमारे लिए ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, थोड़ी मदद करो। मदद क्या, मदद का मतलब होता है पैसे दो,
मेन चीज डायरेक्ट, मतलब उनका क्या होता है कॉन्सेप्ट, उन्होंने एक बना रखा है यहाँ पे कि मेरे को पैसे मांगने चाहे किसी भी तरह से इनडायरेक्ट। हम इस चीज को ये नहीं कह रहे हैं पैसे नहीं देंगे, ना हम ये करते हैं, ठीक है, मदद नहीं कर रहे हैं किसी, जरूरतमंद को देंगे। अगर आपको जरूरत है तब हमारी तरफ से फुल मदद है। हाँ, बनना नहीं यार, एक बात बता, हम भी मेहनत से कमाते हैं ना, है ना, तो इस चीज को यार हम कहाँ से अगर भाई नहीं करेंगे सब यार, तो हम भाई हमारा भी तो यहाँ से अभी जा रहे हैं, ये पड़ता है ऊपर से डायरेक्ट, अगर ऊपर जाने का है ना तो यहाँ से सीधा पड़ता है शॉर्टकट भाई, वरना अगर हम कार लेके आते थे तो यहाँ से इस तरफ से आते थे, पूरा रोड है यहाँ पे, बट वहाँ से घूम के जाना पड़ता था अगर हमारे पास कार होती हमारी पर्सनल, तो भाई हम लोग फिर उसी तरफ से आते, बाकी अभी इसी तरफ से आते हैं बस। भाई लोग यहाँ देखो ऐसा कुछ है रास्ता, नजारा जो है एक नंबर का है भाई, एक नंबर नजारा है, लेकिन शॉर्टकट है यहाँ पे, और शॉर्टकट का मतलब पता क्या है, ये देखो आप चढ़ाई देखो यहाँ से, ऐसी कुछ चढ़ाई है यहाँ से, हिल स्टेशन जो टाइप, जो हिल स्टेशन टाइप का होता है ना, बिल्कुल उस लेवल की चढ़ाई यहाँ से। अब देखो यहाँ पे आए, यहाँ से सीधा ये ऊपर की तरफ फिर से घूम गए, तो भाई इस टाइप की सीधी है। और पता क्या है, यहाँ से जो भी है मतलब चढ़ने का ये अंदाज ही अलग है यहाँ पर, कुछ अपना नहीं, वो तो है भाई माता रानी की दुआ, बहुत ज्यादा अलग अलग मतलब, ये देखो बहुत ज्यादा ऊपर आ चुके हैं हम लोग, लेकिन पता नहीं चल रहा है बस, और शॉर्टकट से आ रहे हैं ना, और जो हमारे दुआ है सौरभ वो अतुल दुआ, अतुल दुआ, और यहाँ पे नाम भी लिखा हुआ है इस वाले चढ़ाई, इस वाले पत्थर नाम वगैरह लिखा हुआ है, क्या नाम, संदीप सनी, और संदीप मोटरसाइकिल वाला, यस ब्रो पहला जंजीरा पिया यहाँ पे हम लोगों ने, क्योंकि एनर्जी जरूरत थी बहुत ज्यादा, तो भाई आप सभी लोगों को लिए भी हमारी तरफ से भाई, जस्ट चिल ब्रो, सच बताएं और मस्त चीज एकदम, बिल्कुल मजा आ गया भाई, भैया याद करोगे भाई, लोग अभी ऊपर चढ़ रहे हैं, और ये देखो खींचे जा रहे हैं हमारे अतुल भैया यहाँ पे नहीं, अब देखो अब छोड़ दिया हाथ, जैसे ही भैया बता, अभी अभी गाड़ी खड़ी करते थे हम लोग, लगभग 7-8 किलोमीटर चल के आ चुके हैं, और उसके बाद में भाई यहाँ ऊपर चढ़ाई करते थे पैदल भैरव मंदिर, लेकिन भाई क्या बताएं, मतलब आज थोड़ा बस आधे घंटे की देर हो गई उस चक्कर में, हाँ आधे घंटे की देर हो गई उस चक्कर में भाई, आज कम से कम 8 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा हम लोगों को, 10 किलोमीटर लगभग 10 किलोमीटर पूरा पैदल चलना पड़ा हम लोगों को, तो भाई हम लोग 20 मिनट लेट हुए, सिर्फ 20 मिनट लेट हुए थे, आधा घंटा भी नहीं, तो 20 मिनट के चक्कर में 10 किलोमीटर लेट चलना, 10 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ा हम लोगों को। बाकी आप लोग यहाँ की ब्यूटीफुलनेस देखिए भाई, कितना ब्यूटीफुल नज़ारा है भाई, मज़ा आ रहा है बिल्कुल देख के। भाई लोगों एक बात बताएं, जब शुरुआत में चढ़ना शुरू किया था ना ऊपर, इतनी ज़्यादा थकान हो रही थी ना, पैर बिल्कुल एकदम भारी से हो गए थे, इतनी दिक्कत हो रही थी, पैर उठ नहीं रहे थे बिल्कुल, लेकिन अब चढ़ते चढ़ते भाई इतना, इधर देखिए भाई कुछ पता ही नहीं चल रहा है, मतलब कि कब इतना ज़्यादा ऊपर चले आए हम लोग, और भाई अभी ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल ऊपर जाके दर्शन भी करके आ सकते हैं, लेकिन भाई कोई ऐसी मतलब दिक्कत नहीं है, आराम से अब जा सकते हैं भाई ये, लेकिन इन लोगों का अभी क्या नाम, इन लोगों की अग्नि शांत नहीं हुई अभी तक, इतना ऊपर चढ़ने के बाद चार देखो भाई लोग, और इधर हमारे भाई लोग इधर जियो और एयरटेल की स्पीड चेक कर रहे हैं बैठ के, आप हमारे सूरज भैया मिले हमसे, एक मिनट ब्लॉग में आने दो भैया को, भैया हमारा सूरज भैया यहाँ मिलो है, पिछले साल इनको यहीं पे भूल के गए थे, और इस बार आए यहीं पे मिले हमें, हाँ दाढ़ी मूंछ आ गई तब से, लोग जहाँ पे आके हम लोग रुकते थे ना, जहाँ पे आके हम लोग रुकते थे भाई, वही जगह मिल गई बिल्कुल हम लोगों को, और इस बार क्या नाम यहाँ पे लोग बिना अकेले होते थे हम लोग यहाँ पे, भाई लोग अभी हम लोग यहाँ अंदर आ चुके हैं, और यहाँ पे खाना खुल चुका है सब लोगों का, भाई साहब देखो वैरायटीज देखो डिफरेंट टाइप्स की, और वहाँ पर चल रही है उस तरफ मूवी, और हमारे राहुल भैया देख रहे हैं मूवी, और भाई हम लोग अभी अंदर आ चुके हैं यहाँ पे क्या नाम अपने रूम में, जहाँ पे नॉर्मली रुकते थे, अभी हम लोग यहीं पे बैठे खाना वगैरह खाएंगे, और उसके बाद में फिर भाई ब्लॉग को अभी करते हैं यहीं पे, क्योंकि अभी थोड़ा रेस्ट वगैरह करेंगे और दर्शन करेंगे यहाँ के, लगभग 12-1 बजे के बाद, तो भाई फिर उसके बाद हम ब्लॉग को नया ब्लॉग स्टार्ट करते हैं उसका पार्ट टू, और भाई तब तक इस ब्लॉग को यहीं पर रखते हो भाई, यहीं पे इसको करते हैं भाई, अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही हो तो भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, और भाई ये ट्रिप हमारी बहुत आगे तक जाएगी, तो भाई चैनल को फॉलो करते रहिए और देखते रहिए भाई किस कैसे कहाँ कहाँ हम लोग घूमते हैं,
भाई वीडियो को रखते हैं तब तक यहीं पे। भाई लोगों का हमारा खाना शुरू हो गया है। भाई वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच।